रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा 1/18 जिसमें एलपी कट ऑफ 2019 जिसमें आईटीआई टेक्नीशियन की कट ऑफ है, पीसीएम टेक्नीशियन की कट ऑफ है और कह दे आरआरबी कौन सा है तो गुवाहाटी है, जिसमें मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का अलग अलग डेट आया है। साथ में एक और भी अपडेट आ रहा है आपके पास जो ब्लॉक डेट के लिए है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट हो गए हैं उनके लिए भी ब्लॉक डेट जारी हो गया है और एक सेकेंड चांस है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चांस आरआरबी नहीं देगा, ऐसा नोटिस आ चुका है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर हम चलेंगे सबसे पहले आरआरबी गुवाहाटी का। तो ये गुवाहाटी का वेबसाइट है जिसमें होम पेज पे आइएगा तो ऊपर से तीन अपडेट आपका एलपी से रिगार्डिंग है। पहला रिगार्डिंग ऊपर वाला सबसे ऊपर है जिसमें आपको दिया हुआ है नोटिस फॉर अब्सेंट कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड इन 3/8/19 को, 3/8/19 को आपका होगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट हुए हैं तो आपका वैलिड रीजन के कारण वो देना पड़ेगा और साथ में आपको इसको अटेंड करना है, लास्ट चांस है। उसके बाद आप कहें तो आपका रेगुलर का कट ऑफ यहाँ दिया हुआ है सेकंड स्टेज पे, जिसमें आपका ये रेगुलर कैंडिडेट का कट ऑफ मार्क है शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नीचे में 50% एडिशनल कैंडिडेट यानी कह दे स्टैंड बाई कैंडिडेट लिस्ट का नाम यहाँ पे है। तीनों लिस्ट आप देख सकते हैं, तीनों लिस्ट ऊपर से आपका न्यू बना हुआ है। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले नोटिस को पढ़ लेते हैं कि नोटिस क्या है जो आपका ब्लॉक डेट के लिए है। तो इस नोटिस को आप देखेंगे तो ओवरव्यू देखना है, बस इसमें आपको देखना है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 3/8 को होगा, पहले फेज में 800 लोगों का, दूसरे फेज में हमने आरआरबी गुवाहाटी ने आपको 700 लोगों का कॉल किया था, 763 का टोटल 1563 यहाँ इस आरआरबी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल थे। उनमें से जो कैंडिडेट बचे हुए हैं जो नहीं गए हैं उनको फाइनल अपॉर्चुनिटी आरआरबी दे रहा है कि आप उस शेड्यूल पे आपको आ जाना है, जिसके साथ एक वैलिड रीजन आपको देना है कि बीमार थे, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम था या जो भी उससे रिलेटेड एग्ज़ाम था, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की परमिशन 8/3/8 को मिल जाएगा। 8:30, एड्रेस देख लीजिए, आरआरबी गुवाहाटी ऑफिस, पान बाजार स्टेशन रोड गुवाहाटी, इतना ये पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है। उसके बाद आप डेट देखिए, 22 तारीख का नोटिस आया हुआ है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस शायद नहीं मिले और ये लास्ट और फाइनल इन्होंने लिखा है कि ये फाइनल चांस आपको है। उसके बाद आप कटअप की बात करेंगे तो आरआरबी गुवाहाटी आपको कटअप के रूप में बहुत आसान सा कटअप है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है और आरआरबी के मुकाबले, हालांकि कटअप इतनी आसान भी नहीं है लेकिन बाकी और आरआरबी को देखेंगे उसके मुकाबले यहाँ कटअप आपको आसान मिलेगा। पहले पीसीएम की बात कर ले, सिग्नल एंड टेलीकॉम की, तो 83 है आपका यूआर का, एससी का 75 है, एसटी के लिए 68 है, ओबीसी के लिए 80 है। उसके बाद टेलीकॉम में 83, 75, 68 और 81 दोनों लगभग रिपीट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। साथ में एक सर्विसमैन का भी यहाँ कटअप दे रखा है, एक सर्विसमैन के लिए 49 है और ओएच के कैंडिडेट के लिए आपका 52 और दूसरे कैंडिडेट के लिए 47 है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें तो आपका ट्रैक मशीन वगैरह वगैरह सब की कटअप आई है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की, लेकिन एलपी की कटअप देखेंगे तो बिल्कुल मॉडरेट कटअप है, न ज़्यादा न कम, यानी कह सकते हैं कि 66 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एलपी में यूआर के लिए, 52 में एसी के लिए, 47 में एसटी के लिए और 60 में ओबीसी के लिए। तो कह सकते हैं सभी आरआरबीओ में से एक अच्छा आरआरबी है जहाँ पे आपको कटअप आसान मिल गया। आईटीआई टेक्नीशियन की पूरी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिस्ट है, जिसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी, अलग अलग ट्रेड, अलग अलग पोस्ट के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आप देखेंगे तो किसी कैटेगरी में देखिए यूआर के लिए 40 सिलेक्शन हुआ है, आप एसी के लिए भी देखेंगे तो 25 पे सिलेक्शन हुआ है किसी कैटेगरी में, ओबीसी में भी आपको 30, 35, 40, 33 पे सिलेक्शन हुआ है, मेन लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये रेगुलर कैंडिडेट का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे एसी कैंडिडेट में भी तो 30 पे सिलेक्शन हुआ है, तो कह दें कि यहाँ भी मिनिमम कटअप रहा है, यानी क्वालिफाई मार्क्स पे भी कई सारे कैटेगरी में आपको जॉब मिला है, जो कह सकते हैं कि यूआर के लिए 40 तो लाना ही था 100 में से, उस पर भी जॉब मिल गया।
ओबीसी और एससी कैंडिडेट को अगर 30/100 पे जॉब मिल गया और एसटी कैंडिडेट को 25/100 पे जॉब मिल गया तो इससे आसान कंपटीशन भारत में नहीं मिलेगी। और कह सकते हैं कि ये एक अच्छा मौका था क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी क्वांटिटी में थी, इसलिए इस वैकेंसी में कभी को मौका मिला है। अगर इसमें नहीं पार हुए तो रुकना, आगे के एग्जामों में कंपटीशन में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए इसमें भी और देखेंगे कौन सा पोस्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा कटअप गया है। तो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में देखिए 74 कटअप गया है, आईटीआई टेक्नीशियन में और ओबीसी के लिए 73 गया है। इसकी पोस्ट हालांकि कम होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है जिसके कारण से इस पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कटअप इंक्रीज हो गया है। उसी तरह और भी पोस्टें हैं जिसमें मॉडरेट कटअप है, जिसमें 57 देख सकते हैं वर्कशॉप पावर के लिए है आपका, 56 देख सकते हैं ट्रैक मशीन के लिए है और 53, 54, 55, 56 देख सकते हैं क्रेन ड्राइवर और डीजल इलेक्ट्रिकल का है। उसी तरह आप बाकी में आप देखेंगे तो 56 यहाँ ट्रेन लाइटिंग वाला, यानी ट्रेन लाइटिंग में सब जगह ज़्यादा था। फीटर का कटअप सबसे कम गया है सभी आरआरबी में। वेल्डर का कटअप भी कई जगह पे कम गया है, देखिए वेल्डर में क्वालिफाई पे हुआ है सारे कैटेगरी में कई जगहों पे। तो ये सारा है, ये डिटेल है। यहाँ ब्रिज में देखिए कटअप 40 गया हुआ है और ओबीसी का 42 चला गया है, यानी ब्रिज में आपका यूआर का 40 है, ओबीसी का 42 है अभी कैंडिडेट देखिए, और उसके एसटी का 47 है। यानी ब्रिज में यूआर का कम, उससे ज़्यादा आपका ओबीसी और एसटी का है। उसी तरह और भी आरआरबी के इसके में सारा में देखेंगे तो अलग अलग डिटेल में आपको सारा डाटा एक एक करके मिल जाएगी। ट्रेन लाइटिंग में यूआर का कटअप 56, ओबीसी का कटअप 58 ऐसा है, इसलिए क्योंकि इसका रूल ऐसा था कि आपने एक बार बेनिफिट ले लिया रिजर्वेशन का तो दूसरी बार आपको नहीं मिलेगा। और सारे पोस्टों में देखेंगे, देखिए यहाँ पे वर्कशॉप मैकेनिक्स में 43 यूआर का, 59 आपका ओबीसी का कटअप है। इसी तरह दो क्राइटेरिया थी कि अगर आपने एज लिया है ओबीसी का बेनिफिट तो आप ओबीसी में ही रहेंगे, अगर आपने CBT 1 में आप ओबीसी में आपका सिलेक्शन हुआ है यानी 40 नंबर से कम था तो आप CBT 2 के बाद फाइनल रिजल्ट में भी ओबीसी में ही रहेंगे, यूआर में नहीं जाएंगे चाहे आपकी नंबर जितनी हो। तो ये पूरी डिटेल के साथ आप देखेंगे तो पूरी वैकेंसी को आप देख सकते हैं कि एक एक करके आप यहाँ पे सारा वैकेंसी आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा 1, 2, 3, 4 के टर्म में। तो कह सकते हैं फाइनल एक लाइन में अगर बोला जाए आरआरबी गुवाहाटी का एक बार वेटिंग लिस्ट देख के, तो हम एक लाइन में बोलेंगे तो अभी वेटिंग लिस्ट एक बार खोल लेते हैं। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का देखिए, जहाँ पे आपका मेन लिस्ट का कटअप गया है 66, एलपी के लिए यहाँ 59 गया है, 45 गया है, 35 पे हुआ है वेटिंग लिस्ट में एलपी में एसटी में। उसके बाद आप देखेंगे कि ओबीसी में कितना पर कटअप गया है तो 56 पे गया है। तो सभी आरआरबीओ में अभी तक सबसे कम यही एलपी की वेटिंग लिस्ट की कटअप है, यानी कह सकते हैं कि कम पे भी मौका मिलने की चांस अभी बरकरार है। उसके अलावा देखिए पीसीएम में देखिएगा सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में तो 80, 73, 65 और 79, 80 से नीचे यूआर का यहाँ कटअप आपका आ गया है, यानी यूआर का नहीं आपका ओबीसी का, और 80 के आसपास आपका यूआर का वेटिंग लिस्ट में कटअप है। उसके अलावा भी अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पे कटअप है और कई सारे में तो आपको खाली ही मिल जाएंगे। आईटीआई टेक्नीशियन का पोस्ट उसमें कोई वेटिंग लिस्ट में है ही नहीं है। तो मिनिमम कटअप, अच्छा कटअप, और कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में फाइट करने लायक एग्ज़ाम था, बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं था। तो एक लाइन में बोल दिया जाए कि एक लाइन में आरआरबी गुवाहाटी क्या है, तो आरआरबी गुवाहाटी इस बार मॉडरेट कटअप वाला आरआरबी है और कह सकते हैं कि कम वाला भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि एलपी की भी कम है आपकी यहाँ पे, पीसीएम टेक्नीशियन की भी कम है और आईटीआई टेक्नीशियन की भी कम है। यहाँ पे ऑल इंडिया आरआरबी की देखेंगे उसके टर्म में। तो ये था पूरा डिटेल आरआरबी गुवाहाटी। तो अब एक सवाल यहाँ लोगों का आ रहा है कि पैनल 1 तो आ गया है यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी में, पैनल 1 आ गया है, पैनल 2 कब आएगा? तो पैनल 2 के लिए अभी थोड़े से इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सेकंड शेड्यूल भी चल रही है और कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में थोड़ी बड़ी माइनर प्रॉब्लम है, उनको भी देखा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 3 अगस्त 3/8/19 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक सेकेंड शेड्यूल है, उस शेड्यूल को भी अटेंड किया जाएगा। हो सकता है सेकेंड पैनल बनाने से पहले या
हो सकता है पैनल एएलपी की कुछ और कैंडिडेट किया जाए, तब आपको पूरी पैनल लिस्ट 3-8 के बाद बनाई जाए जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन की भी होगी। लेकिन टेक्नीशियन की पैनल 3-8 से पहले आने की संभावना कम है, क्योंकि लोगों का इंतजार है कि एएलपी की तो पैनल आ गई है, टेक्नीशियन की पैनल किस आरआरबी में सबसे पहले आता है। थैंक यू, धन्यवाद।